इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर हमले का सिलसिला थम नहीं रहा। राजौरी में आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर हमला किया। आतंकियों ने जवाहर नगर इलाके के खांडी पुल के पास बीजेपी नेता जसवीर सिंह के घर की छत पर ग्रेनेड फेंका। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त पूरा परिवार घर पर मौजूद था। ग्रेनेड अटैक की चपेट में परिवार के 5 सदस्य आ गए और बुरी तरह से घायल हो गए। घर में चारों तरफ खून फैल गया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पूरे इलाके को घेर लिया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन आतंकवादियों का कोई पता नहीं चल सका। बीजेपी नेता के घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है उनके परिवार को पहले से आतंकियों ने धमकी दी थी, इसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं की गई। घर है वो थोड़ा हाइट में, दुकान का छत जो है वो उसके फर्स्ट लेवल है। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, सारा परिवार इकट्ठा है, कमेंट फैमिली है, वहाँ बैठे हुए थे शाम को। छोटे बच्चे भी, कोई मोबाइल देख रहा था, कोई कुछ। तो जो घर का छत है वो हाइट में था और दुकान के छत के ऊपर किसी ने ग्रेनेड ब्लास्ट किया, ऊपर से ग्रेनेड थ्रो किया। मैसेज आए थे कहाँ पे, और आप इसके लिए स्पेशली ये जो अपने एसपी साहब है इनको स्पेशली इन्फो हुआ था, एसएचओ जलानी साहब को इन्फो हुआ था। अच्छा। विनोद साहब से मेरे सामने भैया ने बात की थी जब मेरे घर में थे अड़गी में। अच्छा। उन्होंने इन्फो किया था कि ऐसे ऐसे मेरे को मैसेज आ रहे। विनोद साहब को जो विनोद गुप्ता जी, इनको भी मैसेज आए थे कि इस नंबर से विनोद गुप्ता की आईडी से किसी ने मैसेज किए। उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रोटेक्शन के लिए कोई कुछ नहीं वहाँ पे खांडली में, जबकि पुलिस रहती है। रहने के बाद भी वो कुछ घायल बीजेपी नेता के परिवार वालों को देखने अस्पताल में पुलिस के आला अफसर गए। घर वालों ने अफसरों के सामने हंगामा किया और कहा कि परिवार की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई। मेरे बच्चों को बताओ अपना बचाओ, मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। डीसी को बोलो मेरे लिए, बच्चे के लिए हेली मंगाए मेरे बच्चे के लिए। सरप्राइज विजिट करते 15 अगस्त नियर था, 15 अगस्त नजदीक था, यह हादसा होना था। अब कोई अफसर गार्ड को चेक करने गया, अगर क्या है कोई सस्पेंड किया है तो बताओ मुझे, मैं आपका ताबेदार हूँ, मैं आपका वफादार सिपाही हूँ। मैं आर्मी में 17 साल करने के बाद, पुलिस में 23 साल 7 महीने नौकरी करने के बाद मुझे डिसएंगेज किया गया और उसके बाद मैं घर में बैठ गया। मेरा फायदा अदर लोगों ने लिया है, मेरे 3 लड़के 1 जमाई 4 पेंशन आए हुए हैं। आर्मी का फायदा उठाने के लिए घर के मकान के ऊपर से पंप पड़ा, हम बाहर बैठे थे ड्यूटी। वेरी सीनियर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर हमले की एक कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 5 साल में दर्जनों बार बीजेपी नेताओं पर हमला किया गया, कईयों की मौत हो गई। 3 दिन पहले अनंतनाग में आतंकियों ने बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। डार कुलगाम से किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे, वो सरपंच भी थे। 2 जून को आतंकवादियों ने पुलवामा में बीजेपी के पार्षद राकेश पंडिता की हत्या कर दी थी। बांदीपोरा में 22 जुलाई 2020 को बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष शेख वसीम बारी, उनके पिता भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगस्त 2020 में बड़गाम में बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हामिद नजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उससे पहले 22 अगस्त 2018 में पुलवामा में बीजेपी नेता शब्बीर अहमद भट्ट की गोली मारकर हत्या की गई। 2 नवंबर 2017 को शोपियां जिले के अध्यक्ष और बीजेपी यूथ विंग के नेता गौहर अहमद भट्ट की गला काटकर हत्या की गई थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।